हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रवा मोदक की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके पहले भी मैंने आपके साथ रवा मोदक यानी कि सूजी के मोदक की रेसिपी शेयर की थी, और आज जो मैं ये शेयर कर रही हूँ रवा मोदक की रेसिपी, ये उससे थोड़ी हटके है, बहुत ही स्वादिष्ट है और घर के कुछ ही सामान से ये मोदक तैयार हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस रेसिपी को। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करिएगा। और आज का ये जो हमारा मोदक है, ये भी स्टफिंग वाला है, देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो में पूरे लास्ट तक। रवा मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप सूजी। ये पतले दाने यानी बारीक दाने की सूजी होनी चाहिए। अगर आपके पास मोटे दाने की सूजी है तो आप उसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। 1 कप चीनी, 1 कप दूध, और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। और इसे ईजिली घर में तैयार कर सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। तो नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर किस तरीके से घर में बनाते हैं, इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 3 टेबल स्पून देसी घी, और यहाँ पे हमने लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें हमने बादाम, काजू और थोड़ी सी किशमिश ले ली है। काजू बादाम को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और अगर आपको और भी ज़्यादा जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, जैसे कि चिरौंजी और पिस्ता, तो उन्हें भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, पैन गरम हो गया है और इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है, घी मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप सूजी, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है आपको। फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिश खाना चाहते हैं, मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, स्नैक्स खाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ सिलाई से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप एक परफेक्ट सूजी मोदक यानी रवा मोदक घर में तैयार कर सकते हैं। ये मोदक बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है, सबसे आसान होता है, और इस मोदक को हम बिना किसी मोल्डिंग के बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने 1/2 कप लिया था नारियल का पाउडर, इसे डालेंगे यहाँ पे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दूध। अगर आप अपने मोदक में कलर डालना चाहते हैं, अलग कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी कलर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा 1.5 कप दूध डाला है, 1 कप और 1/2 कप। ये पहले आप दूध डाल के फिर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सूजी आपकी थोड़ी बाइंडिंग की तरह हो जानी चाहिए, तो उतना दूध आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे 1.5 कप दूध डाल दिए हैं, और इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप जो हमने शक्कर ली थी इन्हें, और इसके अंदर इन्हें भी हम मिक्स करेंगे। शक्कर को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक हम इन्हें पका लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, यानी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हल्का सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि हमने इसमें नारियल का बुरादा डाला है, उसका अपना अलग ही स्वाद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर नहीं डालना है। और अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसके पहले भी मोदक का वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ, उसका भी लिंक आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें हमने स्टफिंग वाले मोदक बनाए थे, रवा मोदक ही बनाए थे हमने उसमें। और ये जो हमने कोकोनट पाउडर को साथ में पकाया है, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से हमने बनाया था, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप भी उस मोदक को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा जो मिश्रण है मोदक का बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे, गैस को हमने बंद कर दिया है। तो अब हमारा ये जो मिश्रण है थोड़ा ठंडा हो चुका है, हाथों से अच्छे तरीके से हम इन्हें टच कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। तो अब क्या करना है कि हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे हम, और इसके बाद इस तरीके से हम मोदक के लिए इन्हें रेडी करेंगे। तो मोदक आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज जैसा चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से करना है हमें, और फिर हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इन्हें इस तरीके से हम कवर करेंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से आप इस तरीके से इन्हें चिकना करते जाइए, और ये देखिए अपने हाथों से इस तरीके से आप इन्हें
चिकना कर दीजिए। तो ये लीजिए बिल्कुल मोदक की तरह तैयार हो गए हैं। और अब हम ये जो हमारे पास कांटे वाले चम्मच होते हैं इनकी मदद से इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल लगें कि हमने इन्हें मोल्डिंग में ही बनाया है। तो आप इन मोदक को देख के बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि आप इसे हाथों से तैयार किए हो या फिर मोल्डिंग के मदद से तैयार किए हो। बस इसी तरीके से सारे मोदक हमें तैयार करने हैं। ये मोदक बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और घर की कुछ ही चीज़ों से बहुत ही स्वादिष्ट सा मोदक आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा ये मोदक तैयार हो जा रहा है। तो आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद मिलता है इसका। और इस तरीके से आप ये देखिए कांटे वाले चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सभी मोदक हमें बनाने हैं। तो ये देखिए हमारे सारे मोदक तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग आई है इसकी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।